हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ये तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं। वैसे काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, लेकिन आप सभी को लेकिन फिर से इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, लेकिन अब लास्ट डेट आपकी नज़दीक है तो एक बार और आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सभी कैंडिडेट्स वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे लाइक जरूर करना, और लास्ट में कुछ आपके कमेंट्स थे वीडियो के, उन कमेंट्स को मैं कंसिडर करूंगा। तो आपका कमेंट्स आए या नहीं इसको जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो इसका फुल प्रोस्पेक्ट जारी हुआ था, तो अपन बात करें किसकी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स चार ईयर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 यानी कि पहली बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। फुल प्रोस्पेक्ट कब जारी किया था, 1 सितंबर 2021 को, यानी जो वेडनेसडे को ये रिलीज कर दिया गया था फुल प्रोस्पेक्ट। तो आप सभी को पता है सही, न्यू एप्लीकेंट यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट आपकी 15 रहने वाली है। इसमें कुछ गलत लिखा हुआ, ये चीज़ ऊपर नीचे उल्टी हुई है, तो लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर है और आप पेमेंट कर सकते हो 18 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। और आप फॉर्म कब तक भर सकते हो, 15 अक्टूबर तक भर सकते हो। एडमिट कार्ड कब आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको हर बात की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा इसके जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 4th week of October में होने की संभावना है या 1st week of November में होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, ओनली इसमें टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा जो इसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, वो एडमिट कार्ड पर आपको डिटेल मिल जाएगी। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट मतलब एग्जाम होने के, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग 1st week of December, टेंटेटिव डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग 3rd week of December, और जो आपकी थर्ड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग के लिए जो टेंटेटिव डेट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 जनवरी दे रखी है। 10 जनवरी तक आपका ये सेशन कम्प्लीट, ये मतलब सेशन स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है आपकी, वो ओबीसी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए 2000 रुपये, और SC ST के लिए 1200 रुपये फॉरम फीस रखी गई है। फॉरम फीस आप यहां से जमा करवा सकते हो, फुल प्रोस्पेक्ट यहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉरम अगर आपने नहीं भरा और आप यूपी से कैंडिडेट हो तो आप जरूर अप्लाई कर देना ये फॉरम के लिए। चलिए तो ये जान, हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट अप्लाई है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अब हम आपके कमेंट उठा लेते हैं जो कल के वीडियो पे आए हुए थे। तो सबसे पहला कमेंट आ रखा है, जो लेटेस्ट कमेंट है उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसी का है। रमेश पालीवाल, सर RHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन नर्सिंग राजस्थान के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स आपको अभी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट और फोटो और आधार कार्ड यही चाहिए, अभी और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपके फॉर्म भरने में ज़रूरत नहीं है। सर, मुझे भी फिजिक्स की बुक्स ऑर्डर करनी है, तो हर्षिता चौधरी आप फिजिक्स की बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है कि बाय बुक्स कैसे बाय करें, तो आप उसको देख कर ऑर्डर कर सकते हो। सर, SMS जयपुर के लिए SC कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स नंबर चाहिए, 72+ होने चाहिए। नवीन सिंह, आपके 72+ होंगे तो आप SMS में एडमिशन ले सकते हो। बायो का फुल कोर्स हो गया क्या? देखो फाडू मैम्स, अभी तक आपका बायो का फुल कोर्स नहीं हुआ है, बायो का चल रहा है, कुछ दिन वेट करो, मैं आप वापस आपका सिलेबस खींच लूँगा, जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लीज़ सर रिप्लाई करना, क्या बोले सर, मेरा एक टेलीग्राम ज्वाइन रिसेंट हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन में सर्च करने पर भी नहीं मिला, तो ऐसा करो आप रागिनी चौधरी, आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ओके रागिनी,
चलिए आगे चलते हैं। एससी एसटी के लिए इलेक्शन से एज है क्या? हाँ, 5 साल की छूट मिल जाती है रेज में होली स्प्रिट। ठीक है, आगे चलते हैं। सर केमिस्ट्री का क्लास आप लीजिए। ओके संध्या, जरूर जल्दी से आपके लिए जो केमिस्ट्री क्लास है जो मैं खुद लेने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही जैसे दोबारा क्लास होगी तो मैं उसमें आपके लिए नया धमाका आपके लिए रहने वाला है, तो मैं जल्दी वापस क्लासे लेने वाला हूं आपके लिए। वेलकम गुड। सर कुछ एम्स पैरामेडिकल एग्जाम का भी बताओ ना। देखो एम्स पैरामेडिकल एग्जाम का अब एग्जाम आपका अक्टूबर दीपावली के आसपास, दीपावली से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा एम्स पैरामेडिकल का। या तो आपको 10 तारीख तक कोई ना कोई नोटिस रिलीज कर देगा एम्स के थ्रू, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 तारीख तक, ठीक है 10 अक्टूबर तक। सर जी प्राइवेट कॉलेज में तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है ना, फिर उनका सिलेबस हम जाएंगे जब तक तो कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, वो अभी प्राइवेट कॉलेजों की पढ़ाई स्टार्ट हुई है ओनली फॉर, मतलब नॉर्मली जब प्राइवेट स्टूडेंट्स में जब स्टार्ट लेते हैं एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेजों प्राइवेट स्कूल हो गए, तो उनमें ये दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़ाते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग के 2 मंथ या 1 मंथ पढ़ाते हैं, फिर बाद में वापस पढ़ाई को रोक देते हैं, वो बस दिखाने के लिए उन्होंने स्टार्ट की है। सर प्लीज़ टेस्ट होना। ओके टेस्ट जरूर होगा चेत्रा में आपका, जल्दी टेस्ट आपके लिए, टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। सर ये 51,000 में हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है क्या? हाँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज में जब भी कोटा के होता था, कोटा में आपको 51,000 रुपये ओनली कॉलेज देना है, कॉलेज में देना है, बाकी जो पैसे बचते हैं वो हॉस्टल 51,000 रुपये कॉलेज में देने हैं, बाकी हॉस्टल के आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा है, जबकि RHS में आपको 8,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से हॉस्टल फीस अलग से देनी होती है। टेस्ट कब का है? टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा। SB यादव, सर मैंने बुक्स ऑर्डर की थी, कब तक आ जाएगी? जिज्ञासा, मैं यहाँ से बुक्स आपकी भेज चुका हूँ, आपकी बुक्स जैसे आएगी मैं आपको आपको पता लग जाएगा, आपको कॉल कर लिया जाएगा, आप बस अपना फ़ोन वगैरह बंद ना रखे, चालू रखे, ठीक है। सर इंस्टा आईडी बताना। इंस्टा आईडी मेरी वही है devender.rj08 के नाम से आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी। सर हर साल लगभग कितने कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं? तो देखो खुशबू मेघवाल, हर साल लगभग 16 से 17 हज़ार स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं RHS के लिए। सर प्लीज़ बताइए ना कि आप बोटनी के चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? संजीत कौर, सरनजीत कौर मैं बता दो, बोटनी और बोटनी के चैप्टर में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा आपको, सिलेबस में मैं कुछ भी कमी नहीं रहने दूंगा, अभी भी 2 मंथ आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा आपका, एक बार रिविजन ज़रूर मैं करवाऊँगा, आप घबराए ना, आप बस रेगुलर जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ दिन तक के लिए मेरी क्लासे बंद है तब तक, ठीक है। सर BSc नर्सिंग के मॉडल पेपर बनाओ। देखो गोगाराम बिश्नोई, BSc नर्सिंग के मॉडल पेपर नहीं बना रहा, मॉडल पेपर में क्या एक टाइम लगेगा, इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि चैप्टर वाइज टॉप 20 या 25 MCQ आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दो, जिससे आप ही को प्रॉफिट हो, इसलिए मैं टॉप क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी वो आपके लिए पब्लिश कर दिए जाएंगे। गुजरात में गवर्नमेंट BSc नर्सिंग के फॉरम स्टार्ट हो गए क्या? गुजरात में गवर्नमेंट BSc नर्सिंग के फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं पंकज कुमार, आप सभी आप जाकर जरूर फॉरम अप्लाई कर दीजिए। ओके मोहम्मद अरमान, फर्स्ट यू थैंक्स। तो ये आपके सारे कमेंट्स हो गए जो कल के वीडियो पर आए थे, और किसी का कोई कमेंट्स आया तो देखते हैं। सर ये बताओ अगर कोई अदर स्टेट्स, एक मिनट ये कमेंट्स, सर ये बताओ कि कोई अदर स्टेट्स हैं तो उसे भी एग्ज़ाम देने राजस्थान जाना पड़ेगा, एंड फॉरम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? देखो फॉरम तो ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए राजस्थान में ही आना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, अदर स्टेट वालों को फॉरम अप्लाई करने राजस्थान जाना पड़ेगा? प्लीज फॉरम तो ऑनलाइन भर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम देने राजस्थान में आना पड़ेगा। सर बिहार के स्टूडेंट्स ये फॉरम फिल कर सकते हैं क्या? राजस्थान वाला फॉरम फिल कर सकते हैं नीलम कुमारी। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तुषार रोजारा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर अपडेट टाइम से मिलेगी। अब सिलेक्शन हमारे हाथ में, थैंक यू सो मच सर। वेलकम इसिका जोशी, SMS कॉलेज मुझे लेना है, मैं बिहार से हूँ, प्लीज़ सर बताइए कितने नंबर लाना होगा? 80+ लाना होगा राजू मन्नू, 80+ तो आपको लाना ही होगा। प्रशांत पौडवाल जरूर कोशिश करते हैं क्लास के लिए, बाकी और किसका एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम वैसे हिमानी मेरा जयपुर में होता है, लेकिन हो सकता है इस साल भी लास्ट ईयर की तरह हर संभाग में हो जाए। सर मेरी बर्थ डेट 6 मार्च 2005 है, क्या मैं BSc नर्सिंग का फॉरम भर सकती हूँ क्या, प्लीज बताइए? शायद आप नहीं भर पाओगे, इंडियन लवर विक्रम मीणा, इंडियन लवर विक्रम मीणा आप शायद फॉरम नहीं भर पाओगे, बिकॉज चूंकि आप 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 ईयर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसलिए आप फॉरम नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके सारे कमेंट्स हो गए, तो कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी आपका डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि मैं कल वाले में ज़रूर इसको उठा लूँगा। धन्यवाद।